वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करनी। बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो तीन गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया था। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहां पे हॉलो साउंड आ रही है, धब धब की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, तो वहां पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदि विशेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए, रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा, पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, जब सॉरी एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था, तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज बाधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे को? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में, तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था, तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल, कैविएट दाखिल करेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर, इंग्लिश में बोल दीजिए सर, व्हाट इज द ऑर्डर? जी, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड बाय, इन फैक्ट यू नो द हिंदू साइड फॉर बाय द वाराणसी कोर्ट? सी, द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हैज अलाउड द एएसआई सर्वे इन द प्रीमाइसेस इन क्वेश्चन इन सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130। आवर एप्लीकेशन व्हिच इज एप्लीकेशन नंबर 327 गा, दैट एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड एंड द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द एएसआई टू कंडक्ट द सर्वे। सर, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर सर्वे एंड व्हाट वुड बी द टेक्निक्स दैट सी आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द टाइम फ्रेम बट दिस इज अ स्पेक्युलेशन दैट विद इन 3 to 6 months दिस एक्सरसाइज कैन बी कंप्लीटेड। And what are the techniques that would be used in conducting? See, ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the SI, and they will submit a report before the honorable court. Sir, you know, the GPR would be... You उसको आपने मांग की थी, जिस पे रोक लगी थी, उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है। जी, आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया, ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था, कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने, व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है उसके पीछे क्या है।